कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क मैदान में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच का पहला दिन शुक्रवार को था, जहां पर यह आधा मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। वहीं पर एक बांग्लादेशी फैन की संदिग्ध परिस्थितियों में तबीयत खराब होने से हड़कंप भी मच गया। दरअसल ये रॉबी नाम का बांग्लादेशी फैन सी बालकनी के पास था और उसके बाद अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और आनन फानन में जो वहां पर लोग मौजूद थे प्रशासन के और पुलिस के, वो उसको नीचे लेके आए और उसको बाकायदा उससे पूछताछ करी। हालांकि अगर पुलिस की बात मानी जाए तो पुलिस का ये कहना है कि उसको डिहाइड्रेशन हो गया था, लेकिन वहीं पे रॉबी जब पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे तो वो इशारे से बता रहा था कि उसके पीठ के पीछे किसी ने घूसा मारा है। हालांकि जब उसको अस्पताल ले जाया गया तब उसने पुलिस प्रशासन का धन्यवाद किया और तबीयत ठीक होने की बात कही। तो चलिए सबसे पहले आपको ये सुना देते हैं कि रॉबी ने क्या कहा। हमारा तो दिल खराब होएगा, पुलिस हॉस्पिटल में नहीं आएगा, ट्रीटमेंट करेगा तो एक हम अनेकटा सुस्त हो गए। नाम हमारा नाम रॉबी है, हम बांग्लादेश में आएगा, विचार आएगा, परीक्षा में आएगा। नाम पिता का नाम एड्रेस? पिता का नाम हसन अली है, मैं खुलना के थका आया। मेरा बाप नहीं होगा, मेरा माँ। डिस्ट्रिक्ट कौन सा? डिस्ट्रिक्ट खुलना में। आज भारत बांग्लादेश के बीच हो रहे क्रिकेट मैच के दौरान एक दर्शक जिनका नाम टाइगर है, उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी और जैसे ही उनकी तबीयत खराब हुई वहाँ मौके पर उपस्थित पुलिसकर्मी के द्वारा उनको उठाया गया और जो मेडिकल टीम है उनकी सहायता से उपचार हेतु उनको भेज दिया गया। अभी उनकी तबीयत ठीक है, उनके साथ एक लाइजन अफसर लगाया गया है जिससे उनको कोई भी दिक्कत आती हो तो उनको तुरंत सहायता उपलब्ध कराया जा सके। मारपीट की कुछ सूचनाएं इसमें चल रही थी जो बिल्कुल ही निराधार है, मारपीट की कोई घटना उनके साथ नहीं हुई है। उनकी जो चोट में गिरने की एक वजह जो उनसे बातचीत के दौरान पता चला है वह आ रही है। इस पूरे मामले में पुलिस का ये कहना है कि डिहाइड्रेशन की वजह से रॉबी की तबीयत खराब हो गई थी और उसको फिर एम्बुलेंस में बुलाकर तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर अब उसकी तबीयत ठीक है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले में की जांच भी कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेशी फैन के साथ ऊपर बालकनी में कुछ हुआ हो। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।